नमस्कार, मारुति मल्टीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए बहुत ही अच्छा लेसन लेके आया हूँ। एक बहुत अच्छी डिमांड आई थी, किसी ने कहा था कि मुझे ये दुआ है मेरी रब से, इस गाने के ऊपर आप हमें जो बोल लगे वो बताइए। बोले हमें बजाने में बड़े सुंदर लगते हैं, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, तो बड़े सरल से बोले, वो कैसे बजाना है, कितने सरल तरीके से समझाऊँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो खैर मैं छोटा सा बजा के बताता हूँ, पूरा गाना तो खैर मेरे को लिरिक्स तक याद नहीं रहता याला, पर फिर भी मैं आपको पूरा गुनगुना के बताऊँगा। ये दुआ है मेरी रब से इन आशिकों में सबसे, ये दुआ सरल शब्द लगे, मात्र तीन अलग अलग प्रकार के बोल हैं और एक छोटी सी उठान है, बहुत सरल बोल है। तो मैंने कभी आपको धित्ता तित्ता तित्ता धित्ता इस टाइप का बोल सिखाया था, खैर आज मैं आपको पूरे बोल फिर से सिखाऊंगा। तो पहला जो बोल लगा है वो लगा है धी तागे तित्ता तित्ता धित्ता। बड़ा सरल शब्द है पर बजेगा कैसे वो हम समझते हैं। धी के लिए तीन फिंगर नीचे से लगा के घे बजाना है धी। ता मतलब ना, ना और ता पहली फिंगर से किनारी बजाया था ना। घे बोले तो लेफ्ट सिंगल घे, तो धी ता घे, फिर तित्ता चौथे ता पे था पे। तागे जो है हम एक शब्द को गिन रहे हैं क्योंकि जल्दी बजाना है हमें, तो दोनों का हमने एक शब्द बनाया है और तित्ता का जो चौथा ता है उस पे हमें थाप लेनी है। फिर से देखते हैं, धी ता घे तित्ता तित्ता धित्ता। अब चूंकि जो तागे का घे है वो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग से ही इस बोल की खूबसूरती आती। कैसे, धी तागे, ठीक है, धी तागे तित्ता तित्ता धित्ता। तो बड़ा सरल बोल है, धीरे धीरे बजाते हैं फिर से एक बार। धी तागे थाप, फिर तित्ता धित्ता। थाप एक ही बार आने वाली है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और थाप लगाने से हमारी रिदम जो है वो एक्यूरेट बैठती है, तो ये जरूर ध्यान रखें, यदि आप थाप लगाते हैं तो खूबसूरती बढ़ेगी। चलिए देखते हैं फिर से, धी तागे स्लाइडिंग, नहीं ले पाते हैं डायरेक्ट लीजिए, यदि आप स्लाइडिंग ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धी तागे तित्ता तित्ता धित्ता, धी तागे तित्ता तित्ता धित्ता। तो खैर ये पहला बोल था। दूसरा जो है दूसरा बोल तो बहुत ही सरल है, वो कैसे बजता है, बोल है धिद्धा तिद्धा तित्ता तित्ता। बोल बहुत सरल है, धिद्धा तिद्धा तित्ता तित्ता। तो कैसे बजेगा धीरे धीरे समझते हैं, धिद्धा तिद्धा तित्ता तित्ता। सेवंथ अक्षर, सातवां अक्षर ती, उसके ऊपर थाप लगानी है। कैसे, धिद्धा तित्ता तित्ता तित्ता, ठीक है।
तो आप इसमें छठवें या सातवें दोनों अक्षर पे थाप लगा सकते हैं। यदि परफेक्टली लगाना है आपको तो छठवें अक्षर पे भी थाप आप अच्छे से फील कर सकते हैं। छठवें सातवें भी किसी भी आपको थाप लगाना है, आपका हाथ जैसा चल जाए वैसा। देखिए कैसे दिखते हैं, थित था तित था तित ता तित ता थित था। फिर से देखते हैं धीरे धीरे, थित था तित था। ये चार अक्षर समझ आ गए आपको, धी था ती था ती ता ती ता। अब इसके अंदर एक उठान लगी है वो बड़ी मजेदार है। तो ती नाके नाना की ना, अभी ती नाके नाना की ना ये बड़ा सरल लगता है सुनने में, बजाने में थोड़ा सा टिपिकल है। तो ती मतलब ती, ना मतलब ना, के बोले तो लेफ्ट में थाप लगानी है। ती नाके फिर नाना की ना, क या क से रिलेटेड कोई भी बोल आता है, का की के कुछ भी आता है, तो उल्टे हाथ पे आपको थाप लगानी है यानी क बजाना है। ओके, तो ती के बाद सारे बोल ना ही हैं तो बड़ा सरल हो जाएगा। फिर ती ना के ना ना की ना, ती ना के ना ना की ना। तो ती ना के ना ना की ना। अभी ये उठान बहुत अच्छे अच्छे गानों में लगी है, जैसे दिल है कि मानता नहीं, या और भी मैंने आपको, मैं बहुत सारी इसकी लिस्ट बता सकता हूँ। ये आपको आना चाहिए। ती नके ना नके ना देख ना के दित्ता 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 ती नके दित्ता दित्ता। तो ये ती नके नाना की ना, ये एक छोटी सी उठान मैंने आपको सिखाई। अभी इसके अंदर जो अंतरे का जो बोल है वह बहुत कमाल का है, थोड़ा सा टिपिकल है, आ जाएगा, समझेंगे तो ज़रूर समझ आएगा। देखिए क्या होता है, बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ते हैं, घर बैठे तबला ढोलक पखावज सीखते हैं, बहुत से व्यूवर्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भी जुड़ करके मुझसे घर बैठे तबला ढोलक पखावज प्रोफेशनली सीख सकते हैं, या फिर आप भजनों गानों के हिसाब से भी सीख सकते हैं, चाहे जैसा आप व्हाट्सएप पर लिख करके ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यदि आपके शहर में आपके स्थान पे आपको अच्छी ढोलक नहीं मिलती है या आपको अच्छी ढोलक की समझ नहीं है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पर लिखिए, सबसे बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छी आपके प्राइस रेंज के अंदर आने वाले ढोलकों को हम आपको देंगे। बस आपको ढोलक परचेस करनी होती है, भेजने के पहले हम उसके वीडियोज़ भेजते हैं। जब तक आपको ढोलक पसंद नहीं आती, आपको पसंद आने के बाद संतुष्टि होने के बाद ही हमारे यहाँ ढोलक निकलती है। तो खैर आप जब भी चाहें उस व्हाट्सएप पे मुझे लिख सकते हैं। तो लास्ट बोल जो है वो है अंतरे का, वही इसके अंदर एक डिफरेंट बोल है। वो कैसे बजता है, तो धिना आधा तित्ता तित्ता धित्ता। ये बोल भी तीन चार स्टेप के बाद का एक स्टेप है। ये बोल के पहले कुछ बोल बनते हैं, फिर आके ये बोल बनता है, परंतु अब तीन बोल सिखाऊंगा तो हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो हम डायरेक्ट इसी बोल के ऊपर बात करेंगे। तो बोले धीना धा तित्ता तित्ता धित्ता। तो अब धीना बजाना है मतलब धीना, ये थोड़ा सा फास्ट है, धीना धा तित्ता। ये धा तित्ता भी आपको थोड़ा सा धाती वाला जो एरिया है वो फास्ट लेना है। कैसे, धीना धा तित्ता, धीना और धातित्ता के बीच में एक अक्षर का गैप है, वो आपको मेंटेन करना है। कैसे, धिना धातित्ता, ता के ऊपर थाप, फिर तित्ता धित्ता, तित्ता धित्ता। ये सामान्य जो पहले बोलों में भी हमारा लग रहा है, धिना धातित्ता तित्ता धित्ता, धिना धातित्ता तित्ता धित्ता। बस जैसे मैंने आपको बताया है, तित्ता और धित्ता लास्ट में सब सेम है, तीनों चारों बोलों में तित्ता धित्ता जो लास्ट की मात्रा है वो सेम है। जो भी गड़बड़ या जो भी बदलाव हो रहा है पहली दूसरी मात्रा में हो रहा है, धीना धा तित्ता तित्ता तित्ता। तो
ये आज मैंने जो आपको बोल दिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख करके मुझे बताएं, जो आप कहना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब का बटन दबा करके इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।